एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है ए एंड बी। इसका मतलब है कि ए एंड बी मैट्रिक्स हैं, तो उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स ये बताए हुए हैं। ए मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज हैं 3, 0, -1 एंड 2, और बी मैट्रिक्स की 6 एंड 5 एंट्रीज हैं। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले इनके ऑर्डर को देखते हुए हमने देखना होता है कि क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर इक्वल हैं तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें, ये फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स हैं एंड सेकंड मैट्रिक्स की 2 रोज हैं, तो इसका मतलब है कि इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, इसको इस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6, 3, 18, 5, 0, 0 दरमियान में प्लस माइनस का 6, 6, 5, 2, 10, 18 + 0 = 18 आता है, माइनस का 6 प्लस का 10 प्लस का 4 आ गया, इसका आ गया आंसर। ये वाला ए एंड बी दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से इसका ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।